की डकैती की गुंडागिरी नहीं हो, ये नई सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए। दुख बात कुछ बात का है कि रोज की घटनाएं बहुत ही हीनिस हो रही है राजस्थान भर के अंदर, उसके नमूना ये भी है। बयान करने के बाद भी कुछ नहीं किया। मैंने आईजी साहब को कहा है कि आप जांच करो ढंग से, जो लोगों ने कमी रखी है उनके खिलाफ सजा हो। कल एक एएसआई को आप अगर नाम मात्र कर दिया आपने, सस्पेंड से क्या फायदा। मैंने सुना भी मंत्री जी आए थे यहाँ मिलने के लिए, अच्छी बात है। और इनको क्या इमदाद मिल सकती है, सरकार को डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कहीं इसका इलाज इंस्टीट्यूट के बाहर है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, उसको भी प्रूव करना चाहिए कि क्या जो ऑपरेशन हुआ है, जो इलाज हो रहा है, वो सफिशियंट है या कोई कमी है, या यहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं। हो सकता है यहाँ के डॉक्टर खुद भी कहे कि भाई हमने तो ये सब कुछ किया है, पर इसकी एक्सपर्टाइज दिल्ली के अंदर, इसकी एक्सपर्टाइज बॉम्बे के अंदर, मान लीजिए, मैं तो नहीं समझ सकता। तो वो भी प्रूव करना चाहिए सरकार को, सरकार को आगे आना चाहिए, तब जाकर के इसकी जान बच पाएगी, मेरा मानना। सर गहलोत जी, दो दिन पहले जो है वो गलत ब्लड चढ़ने से युवक की मौत हो गई, लेकिन परिजन की अब तक जो है वो सुनवाई नहीं। ये किस्सा है, सचिन शर्मा का हुआ था, ब्लड चढ़ा दिया, एसएनएस में उसको, दोनों सचिन नौजवान गलत ब्लड चढ़ा दिया। मैंने मीडियम देखा था उसको, क्योंकि वो घटना ही बहुत दुखद है। जान चली गई उसका, उसके बाद में क्या, अगर लापरवाही से जान गई तो क्या कार्रवाई की आपने? ये तो कोई माफी होगी, कार्रवाई तो हो नहीं सकती। लापरवाही से ब्लड चढ़ गया, जान चली गई, तो सरकार की तरफ क्या रेस्पॉन्स है? क्या उनके परिवार का ध्यान रखा जा रहा है? कोई मुआवजा दिया उनको, परिवार वालों को? सर परिवार का एक बच्चा था 20 साल, जो कुछ भी कह तो बहुत दुखद बात है। एक बच्चा था वो चला गया, तो इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है? तो ऐसी घटनाएं होती जा रही है, तो दुखद बात है कि उस पर कार्रवाई क्या हो रही है। घटना दुर्घटना देश भर में होती है, प्रदेश में होती है, पर राजस्थान एक शांतिप्रिय प्रदेश रहा हमेशा से। हमारे वक्त में कोशिश की गई ऐसी घटनाएं कम से कम हो, पर चुनाव के माहौल में जो बोला गया मैं उस पर नहीं जाना चाहता अभी। मैं तो अब सरकार वर्तमान को कहना चाहूंगा कि आप कम से कम आपकी प्रायोरिटी हो, कानून व्यवस्था की प्रायोरिटी हो,